हेलो स्टूडेंट्स सभी के पास साउंड क्लियर है कंफर्म करेंगे हमको गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग बार इंफॉर्म करेंगे क्या क्लियर है साउंड और वीडियो दोनों तो क्या हमें पता चले और वीडियो दोनों चलिए ठीक है द पोलटेक्निक क्लासेस का ग्रुप में एक और कोई एक स्टूडेंट लिंक को शेयर कर दीजिए सर लाइव आ गए ठीक है थीके? और एक बात आप लोग को बता दें कि आज से गया में बहुत ज्यादा मौसम खराब है पूरा मतलब ये आंधी चल रहा है जिसके कारण से हम लोग बोर्ड पे नहीं आ पाए तो इसलिए पूछ लिए थे आप लोग से कि सब लोग रेडी हैं या नहीं चलिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है नहीं दिक्कत है तो लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट वन और टू का जो डोज वन का जो था कि इसमें हम लोग को क्या करना था यूनिट वन एंड टू तो देखिए बहुत लोग को दिक्कत आ रहा है कि सर एमसीक्यू बता दीजिए या फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव बता दीजिए कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब कि कुछ है जैसे सर्कुलेटर है या फिर डोमिनेंट मोड ऑफ सर्कुलर वेब गाइड है सारे टॉपिक आपका वीडियो मिल चुका क्लियर भी है एक उसमें से कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं पैड डायोड डायोड है अब लांचे डायोड है मैसर है या कोई मैग्नेट्रॉन बोल रहे हैं इस तरह का अभी जब हमने पूछा कि कौन कौन टॉपिक है प्रॉब्लम है तो इस तरह का लोग बताएं तो हम उन सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं कि देखिए अभी का जो टाइम है आपको दिक्कतें आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टॉपिक में ही दिक्कत है आपको कहीं ना कहीं आप पढ़ने का ट्राई कीजिए उसको कहीं ना कहीं नहीं, दो तीन बार लिखने का ट्राई कीजिए उसके बाद पार्टिकुलर जो सेंटेंस में पार्टिकुलर उस फिगर के अंतर्गत जो चीज ना समझ में आए वो डॉट होता है लेकिन आप लोग करते क्या है सर पूरा मैग्नेटोन नहीं समझ में आया ये कोई

क्लास टेस्ट जो हम लिए वो क्वेश्चन कर लीजिएगा जहां तक यूनिट वन थ्री फोर इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए टू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिया गया लेकिन उसमें सारे डायोड इंपोर्टेंट है कभी भी कुछ ही पूछा जा सकता है ऐसा कभी कभी ईयर का क्वेश्चन पाँच, चारों पांचों डायोड जो भी पढ़ना है सब देता है इसलिए वो पांचों आपका इम्पोर्टेंट है सबसे छोटा सिलेबस है माइक्रोवेव का आप इसको कवर कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो जो सबसे पहले अः यूनिट वन की हम आज बात करेंगे कि यूनिट वन एंड टू दोनों को देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा उस तरह से टू का जहां तक हो पाएगा हम लोग करेंगे लेकिन यूनिट वन पहले तो यूनिट वन से जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो हमको बताएंगे ठीक है ये ओनली फॉर सिक्स सेमेस्टर का क्लास है ठीक है अभी ओनली फॉर सिक्स सेमेस्टर का क्लास है तो सिक्स सेमेस्टर से जो लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वही यहां पे रहेंगे बाकी आप लोग रिमूव हो सकते हैं तो यूनिट वन का पर्टिकुलर टॉपिक हमें बताएंगे यूनिट वन का पर्टिकुलर टॉपिक बताएंगे बताएंगे फर्स्टली उसके बाद हम आगे चलेंगे गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग और अभी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करेंगे सब लोग एक टी डब्ल्यू टी बता रहे हैं और फास्टली करेंगे सब लोग अच्छा अच्छा नुवेरिकल टी टीडब्ल्यूटी टी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना चलो देखते हैं अभी और तेरे भाई वी आई के कहां से पढ़ेगा चलिए देख लिए धीरे धीरे पूरा टॉपिक में क्लियर हो जाएगा चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन सब लोगों को पता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है तो जो माइक्रोवेव से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस ऑलवेज दिए हैं व्हाट इज माइक्रोवेव क्या है राइट इट्स एप्लीकेशन डिसएडवांटेज या फिर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन फेमस है भी सब कैटेगरी ऑफ माइक्रोवेव तो सब कैटेगरी होता क्या है कि माइक्रोवेव जो रीजन है जो हम लोग स्पेशल फ्रिक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम उसको हम लोग पढ़ते हैं और जिसमें एल बैंड 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 और के का ठीक है ना एक्स ये सब जो देखे थे उसके अलग में भी क्या है बहुत सा डिफाइन है मिलीमीटर वेव है उसके ऊपर अगर जाएंगे तो आ, एक आई ट्रिपल ई करके जो हम फ्रीक्वेंसी रेंज लिखाए थे वो है उसके बाद ये जो बेव आता है ये है तो ये सब आप लोग ध्यान देंगे एक CC, करके क्या है कि एक फिक्स बैंड ठीक उका, है जो हम बैंड, बैंड, का बैंड, तो इस बात को देखेंगे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी का वही वह चीज है ठीक है तो एक, एक बोल रहे हैं यहाँ पे वाट इज माइक्रोवेव एप्लीकेशन तो ये जो क्वेश्चन है आपका फेमस है तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को इतना बताने लायक है नहीं कि जिसको हम बता सकते हैं इतना जब यही आपको नहीं पता है तो माइक्रोवेव फरना बेकार है ठीक है तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे और इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा चांस है कि आपको पहला क्वेश्चन सही पूछा जाएगा एसबीटी की भी मैं बात कर रहा हूं ठीक है ना तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ जब ये पढ़ेगा तो इसका एडवांटेज पढ़ लीजिएगा ठीक है ना और सब कैटेगरी पढ़ लीजिएगा तो इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए इसमें किन्हीं को दिक्कत है ये ये पहले हमको बताएंगे ये तो बाद है फिर कल के आ, फिर मैसेज आएगा कि सर ये भी बता दीजिए वो भी बता दीजिए चलिए दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछने के ज्यादा संभावना है या फिर प्रीवियस ईयर में हम लोग दे, देख सकते हैं पूछा भी गया है क्या है वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन है और uh, इधर अगर बात की जाए 2020-2021 जब क्वेश्चंस का पैटर्न पूछने का जब चेंज किया तो वहां से लिमिटेशंस पूछने लगा है लिमिटेशंस ऑफ और uh, यह लिमिटेशंस ऑफ कॉन्वेशनल ट्यूब कॉन्वेशनल ट्यूब ये क्वेश्चंस एक uh, 2020 हजार उससे पहले क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया था लेकिन इसके बाद Uh, हाँ आएंगे में टेंशन लेना नहीं है ठीक है ना तो कॉन्वेंशनल ट्यूब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें अच्छा क्लियर किया गया है शायद इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें से तीन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा लेड इंडक्टेंस इफेक्ट लेड इंडक्टेंस इफेक्ट और इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस ठीक है ना ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीसरा है ट्रांजिट टाइम इतना याद कर लेते हैं ये तीन अच्छे से याद कर लीजिएगा और इससे ज्यादा आपको पूछने का संभावना कम बनता है ठीक है तो ये चीज सही है चंदन यहाँ पे मैसेज भी आ, आ, आप लोग को देख सकते हैं क्वेश्चन ही टाइप कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये क्वेश्चन तुम लोग लिखते रहो ठीक है ना बाद में ये कभी नहीं होता है कि सर ये बता दिए तो एग्जाम में आएंगे ऐसा कभी कभी हो जाता है लेकिन ये ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूं इसके बाद तीसरा जो यूनिट वन में क्वेश्चन आता है ये आपका टू द टॉपिक जो है फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम ये इधर दो बार से पूछा नहीं गया है तो इस बार के हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा ठीक है आप लोग सारे लोग 2020 2021 बीस सब क्वेश्चन आप लोग को भेज दिया गया है तो आप लोग देखते रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी बैंड तीसरा में आएंगे चौथा अभी तक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव नहीं पूछा है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोवेव नहीं पूछा है तो उसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा आप लोग इंपोर्टेंट कैटेगरी में नहीं है लेकिन नजरअंदाज नहीं करना उस क्वेश्चन को ठीक है ना एक दो बार हिस्ट्री चार पांच ईयर याद कर लेना है कि कौन सा ईयर में क्या आया था कैसे आया था ठीक है ना तो आप नहीं भुला सकते हैं ठीक है तो तीन क्वेश्चन हो गया चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो आपका डायरेक्ट क्लिस्ट्रॉन से आ सकता है अब यहीं से लोग को परेशानियां स्टार्ट होने लगा ठीक है यहीं से क्लिस्ट्रॉन से स्टार्ट होने लगा है परेशानियां कि सर क्लिस्ट्रॉन क्या है देखिए क्वेश्चन जो आएगा आई डबल ई करके या सी सी आई आर करके नहीं आएगा तो आपको जनरली जो फोकस करना है माइक्रोवे में आई ट्रिपल ही फोकस करना है ठीक है ना अगर एग्जाम में नहीं लिखता है तो आई ट्रिपल ही फोकस करना सभी स्टूडेंट को इस बात को ध्यान में रखेंगे अब क्लिस्ट्रोन जब हम लोग पढ़े थे तो इसको दो तीन टाइप हम लोग देखे थे पहला दूसरा और तीसरा तीनों में क्या था तो सबसे पहले था हम लोग का टू कैविटी क्लिस्टोन टू कैविटी क्लिस्टोन दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो वन कैविटी या फिर रिफ्लेक्स क्लिस्टोन है तीसरा क्या हम लोग बात करेंगे तो मल्टी कैविटी मल्टी कैविटी क्लिस्टोन इसमें से कौन सा दिक्कत है कौन तो बोल रहे थे और फ्लेक्स या फिर इन तीनों में से ये जो मल्टीकेविटी है आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है रेयर केस में आ सकते हैं ठीक है इसमें से हमको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है इतने क्वेश्चन में हमको बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है इतने में बताएंगे कौन सा टॉपिक प्रॉब्लम है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ये तीनों में से अगर कहीं दिक्कत है तो पहले बताओ बाबू आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम में दिक्कत है फिर गजब के बात हो गया तो गजब हो गया जिसको फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम में दिक्कत हो गया उसके लिए एपल के डायग्राम चलिए बहुत अच्छा एपल के डायग्राम समझाने का ट्राई करते हैं ठीक है ना एप्पल के डायग्राम ध्यान से सब लोग देखेंगे उसके बाद समझ में आ जाए एक और कंफर्म करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं एप्पल के डायग्राम इसमें क्या है क्योंकि एपल के डायग्राम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ये समझ गए तो वर्किंग फिगर सब समझ जाए टू के बी का या वन केविटी का बता दे टू कैविटी का चलिए देखिए क्या होता है उसके बारे में टू कैविटी क्लिस्ट्रोन सभी लोग जितने लोग के पास नोट्स कॉपी है नोट्स कॉपी को सामने रखेंगे तब जा करके ज्यादा पॉइंट आपको हो सकता है क्लियर हो सभी स्टूडेंट अपना नोट्स कॉपी को सामने रखेंगे उसके बाद इसको देखने का ट्राई करेंगे तो आई होप ये चीज पूरा आपको क्लियर हो सकता है ठीक है तो चलिए हम बनाने का ट्राई करते हैं पल डायग्राम। तो कुछ करना तो था नहीं थोड़ा खराब बनेगा तो दिक्कत नहीं लेना ऐसे एग्जाम में कर लीजिएगा उल्टा टी बना दीजिएगा कोई दिक्कत है नहीं इसमें एम्पलीफायर है तो आपको एक बात ध्यान देना होगा ठीक है ना कि की, ट्राई कीजिएगा कि की एम्पलीफायर है तो वन डिग्री फेस शिफ्ट के साथ आप काम करें ऐसा बना लीजिएगा ऐसा ना एक बना लीजिएगा ठीक है अब समझना वो नहीं है कि कैसे क्या हुआ बस अब एग्जाम नजदीक है इसको पढ़िए और पढ़ने से के बाद आप समझने का ट्राई कीजिए ठीक है ना तो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है समझना है। इसके ऊपर दो गैप आप बना लेंगे ये हो जाता है गैप ए और ये हो जाएगा गैप बी ये हो जाएगा गैप आपका बी और ये हो जाएगा गैप आपका ए, ठीक है अब यहां से हम लोग क्या करते हैं यहां से हम लोग ये देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है पहले आया पहले आया तो उसका एनर्जी क्या था उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज कैसे हुआ तो हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं तो चलिए एक नॉर्मल सा फिगर आप लोग को हम बना करके दिखा रहे है, एक नॉर्मल सा फिगर आपको हम यहाँ पे क्या कर बनाने का ट्राई किए ठीक है ये कैविटी आपका वन है ये आपका कैविटी आपका टू है इस तरह से कैविटी आप बना सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि, कि कलेक्टर प्लेट है यहाँ पे कैथोड लगा हुआ है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीट कर रहा है ये ही आपका पोटेंशियल से क्या है कनेक्टेड है ठीक है ना ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा और ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा क्लियर है तो इतने चीजें आपको आना चाहिए अब यहाँ पे ये गैप वन है ये गैप टू है यहाँ क्या होगा कैसा होगा वो बात की चीजें हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो, यहाँ पे जो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा डेट मीनस ये वेलोसिटी का जो वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू आर एफ वोल्टेज से वही यहाँ पे का नॉन यूनिफॉर्म में चेंज करता है तो ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, का. तो निकलते हैं सबका सेम रहता है क्योंकि कैथोड यहाँ पे एक, एक तरह से बात किया जैसे निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब डीसी कंपोनेंट का होंगे लेकिन जैसे ही आर वोल्टेज कैविटी वन से अप्लाई करते हैं वहां से

मतलब नेगेटिव से टकराएगा तब क्या होगा तब पॉजिटिव नेगेटिव और रिफ्रेंस ये तीन का कंसीडर हम लोग करके चलते हैं और यही तीन इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र करते हैं यही तीन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग क्या करते हैं जिक्र करते हैं और यही तीन इलेक्ट्रॉन के हेल्प से ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं ठीक है आप लोग समझ रहे हैं ड्रिफ्ट स्पेस कहाँ होगा गैप ए गैप बी के बीच को ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं ये सब आप लोग ऐसा थोड़े कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो यार कम से कम अब चीजों को समझो अब ये टाइम आपका चला गया इससे ये पता चल रहा है कि ना आप लोग नोट्स पढ़ते हो ना आप लोग जो वीडियो मिला वीडियो देखते हो मैं सारा कुछ छोड़कर करके ये बता रहा हूं कि ये काम कैसे करता है ये पल के डायग्राम बनता कैसे इसका वर्किंग क्या है अब ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो आप तुम लोग कर रहे हो ये क्वेश्चन को समझो कि ड्रिफ्ट स्पेस कहाँ होगा कलेक्टर कहाँ होगा और लगा रहेगा ये थोड़ी ना हम बता रहे कैविटी इनपुट कैविटी को क्या बोलते हैं आउटपुट कैविटी को क्या बोलते हैं ये सब अब टाइम चला गया आप लोग को कि इनपुट कैविटी क्या बोलते हैं आउटपुट कैविटी ये सब तुम लोग नोट्स को भी पढ़ो ईच एंड एवरी थिंग्स वहां पर लिखा गया है बहुत अच्छे क्लियर वे में ठीक है एक बोल रहे हैं 1.5 पॉइंट स्पीड से जब पढ़ाएंगे तो ऊपर ऊपर जाएगा तो फिर हमें नहीं बताना कि ऊपर जा रहा है तो अब यहां पे देखना कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पे पे रिफ्रेंस पे पे पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या होगा तो यहां ध्यान दो कि इस फिगर में माइनस नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे और रिफ्रेंस आपका यहाँ पे और पॉजिटिव यहां पे ठीक है अब यहां से हम लोग क्या करते हैं लाइन को इस तरह से ड्रा कर लेते हैं कि सब क्या तो गैप बी में हम लोग को देखने को मिलता है इसको भी ले जाइए यहाँ पे यहां तक सबका वेलोसिटी इन फॉर्म है देखिए जैसे ही इस पोजीशन से अट्रैक्शन होता है या टकराता है या फिर करता है तो यहां से चेंज हो जाता है तो आपको बता दे कि जो पॉजिटिव टकराएगा बाबू इलेक्ट्रॉन इसका वेलोसिटी जो एक्चुअल वेलोसिटी था उससे क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा ठीक है यहां पर रिफरेंस से जो टकराएगा नो चेंज किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा लेकिन जब ये नेगेटिव से टकराएगा तो यहां पे क्या होगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा कम जाएगा ध्यान देना ठीक है ये इस पॉजिटिव से टकराता है तो इसको पॉइंट बोलते हैं जबकि ये नेगेटिव से टकराता है इसको रिटार्डिंग पॉइंट बोलते हैं ठीक है अब इन दोनों से होता क्या है तो आपको बता दें कि जब पॉजिटिव से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आर सिग्नल में ना जा करके आर सिग्नल का एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन में चला जाता है ठीक है जब रिटार्डेशन होता है तब जा करके एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है बढ़ जाता है दूसरा केस जब ये नेगेटिव पॉइंट से टकराता है तब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कहाँ चलाता है आर सिग्नल में चलाता है और हमें चाहिए क्या आर सिग्नल हाई चाहिए क्योंकि कैविटी में क्या होता है आर एफ सिग्नल एग्जिस्ट करता है और आर एफ सिग्नल हाई चाहिए इस, इसलिए हम चाहेंगे कि इस ताकि जितना एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन का सब का सब आर एफ सिग्नल में पास कराया जाए जब आर एफ सिग्नल से पास करवाए तो ध्यान रहे कि कैप बी में उसको पास करा करके सीधा आउटपुट ले लें हम लोग समझ में आया तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर डिस्टेंस कवर करेगा जिसका एनर्जी कम होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा ठीक है इस बात को समझ रहे हैं। तो यही चीज है तो आप चाहे तो यहां से टक सकते हैं बांसिंग इलेक्ट्रॉन को या फिर यहां से टक सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट और कहीं भी जा सकता है कोई दिक्कत नहीं तो चलिए इस पॉइंट को छोड़ करके हम लोग इस पॉइंट को क्या करते है? हम कर हैं हम इंट्रैक्ट करवाते हैं तो यहां पे क्या होगा बंच बनेगा जब बंच बनेगा तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव से टकरा रहा है इसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे सब लोग बताइएगा जो नेगेटिव से टकरा रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा जो रिफ्रेंस से टकरा रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा और जो पॉजिटिव से टकरा रहा है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा फास्टली कमेंट करेंगे सब लोग सब लोग बताएंगे फास्टली इसको कौन सा जल्दी से नोट्स कॉपी तो सबके सामने है ना आर्ली इलेक्ट्रॉन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन चलिए चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे तो जो नेगेटिव से टकराएगा इसको हम लोग बोलते हैं आर्ली इलेक्ट्रॉन जो रेफरेंस से टकराएगा इसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव से टकराएगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इन तीनों इलेक्ट्रॉन जो होगा आपको बता दे कि अलग होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन आपका पे 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 इसके बाद यह यहां पे, और इसके बाद बाद ये ये और तीनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहां पे क्या होगा बंचिंग प्रोसेस होगा यानी बंच जो बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा और एक चीज एक कहानी आप लोग को बताए थे शायद याद होगा जिसका एनर्जी काफी ज्यादा कम होगा वो स्पीड के मामले में हम लोग देखे तो धीरे धीरे चलेगा तो अर्ली इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब नेगेटिव से इसका एनर्जी क्या होगा एक्चुअल एनर्जी जो इसका था से क्या होगा इसका एनर्जी कम होगा क्या होगा हिंदी में ही यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं ये भी से क्या होगा कम होगा ये आइज इक्वल टू तो वी होगा और तीसरा जो होगा भिनोट आपका ज्यादा होगा एक्चुअल एनर्जी से क्या होगा ये ज्यादा देखिए सबसे कम टाइम में ये बहुत जल्द यहां पे मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा था तब तो तो इसके पास एनर्जी कम है तो जाने में ये जो टाइम लगाया देखिए ड्यूरेशन इसका काफी ज्यादा है और जब ये तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं तब उस टाइम ये नेगेटिव पोर्शन से क्या कर दिया जा रहा है इसको पास कर दिया जा रहा है जब नेगेटिव पोर्शन से पास कर दिया जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है सब का कहा से कहा आर एफ सिग्नल में क्या होता है ट्रांसफर होता है और यहां से जब आर एफ सिग्नल ट्रांसफर होगा तो इस कैटी टू से हम तो लोग क्या ले लेंगे वेब गाइड के थ्रू आउटपुट ले लेंगे यह में आउटपुट पावर मिल जाता है बस यही चीज है टू कैविटी क्लिस्टोन का फिगर वर्किंग और वर्किंग का ही रिप्रेजेंटेशन जो करता है वो एप्पल के डायग्राम करता है तो बताइए यहाँ पे और दिक्कत है कुछ पॉइंट में दिक्कत है वो है तो इन्फॉर्म कर दीजिए रिप्लेस द स्टोन का बस सही होगा बस थोड़ा सा उसमें चेंज क्या हो जाता है वहां पे रिटार्डिंग पॉइंट होता है ये जब फॉरवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे वहां यह पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं होता है क्या बता रहे हैं बंचिंग प्रोसेस तो बंचिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होता है एक्चुअली में अगर हम लोग बहुत डीपली ध्यान से देखें तो कैविटी 1 यानी गैप ए में ही स्टार्ट हो जाता है लेकिन आ, आप लोग ध्यान से इस चीज को समझेंगे बंचिंग प्रोसेस जो इंड होता है, वो पे होता होता है? है। गैप इसका पूरा जो बनता बंशिंग कहां पे, तो ड्रिफ्ट स्पेस में बंचिंग का बन जाना होता है ठीक है तो जैसा भी एमसीक्यू को में क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हैं चलिए और क्वेश्चन किसी को है तो इन्फॉर्म करें फास्टली जो लोग नए आ रहे हैं लिंक को एक बार शेयर भी कर, करते रहे आप लोग ताकि आपके सारे स्टूडेंट देख सके और जो लोग ना किए वो कर भी सकते हैं और जो वीडियो देख रहे हैं नोट्स कॉपी को सामने रखेंगे चलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत है फास्टली बताएंगे फास्टली बताओ इस क्वेश्चन में दिक्कत है करेंट मॉडुलेशन में देखियेलुसिटी मॉडुलेशन और करेंट मॉडुलेशन है क्या एक तरह से अगर हमको ये बात किया जाए कि वेलोसिटी जब सेम रहता है दैट मींस डीसी बोलते हैं और जब उसी को चेंज कर जाता है इकोवलेंट एसी में उसको करेंट बोलते हैं तो वेलोसिटी मोडुलेशन और करेंट मॉडुलेशन लगभग दोनों की अगर बात किया जाए तो सिमिलरिटी ही है जहां पे वेलोसिटी का चेंजिंग हो रहा है तो वहां पे यहाँ पे डीसी टू एसी हो रहा है तो डीसी टू एसी हो रहा है वो, वो आपका करेंट कि किस तरह से एक यूनिफॉर्म इन, वेलोसिटी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में चेंज करते हैं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे आर एफ सिग्नल जो इनपुट में हम लोग अप्लाई करते हैं उसको वहां पे सुपर इम्पोज करते हैं जब सुपर इम्पोज करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से टकराता है कोई नेगेटिव से टकराता है कोई रेफरेंस से टकराता है वहां पे वेलोसिटी में क्या होता है वेरिएशन होता है आप लोग नोट्स कॉपी के लास्ट पॉइंट देखेंगे आ, क्या बार्किंग के बाद तो वहां पे साफ साफ में बताया गया है कि दोनों जो काम होते हैं चलिए और कोई दिक्कत नहीं तो अगला टॉपिक तो रिफ्लेक्स के स्टोन तो रिफ्लेक्स के स्टोन आप लोग तो समझ सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट यही रहता है बस अंतर दोनों में क्या होता है कि वहां एक रिवर्स जर्नी होता है तो जो हम लोग फॉरवर्ड जर्नी और रिवर्स जर्नी जर्नीप्ट के साथ पढ़ते हैं तो जो पॉइंट इसको असलेट करता है ठीक वही पॉइंट जब वो रिवर्स जर्नी होता है तो वो रिटार्डिंग का काम करता है तो वहां पे जो हम यहाँ पे नेगेटिव से टकराए हैं बाबू वहां पे हम इसी को पॉजिटिव से टकराएंगे बाकी एज इट इज सारा चीज और सारा कॉन्सेप्ट वही होता है पॉजिटिव से पे का एनर्जी इलेक्ट्रॉन में जाता है भी एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना बर्बाद किया जा सकता है बस इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं तो बस ट्रांसफर कर सकते हैं ये ना सोचेगा कि हम ये खत्म गया तो उसको बना सकते ऐसा कुछ भी नहीं होता है बाबू तो यही चीज है तो स्टोन में दिक्कत है किसी को एक बोल रहे हैं चलिए तो रिफ्लेश स्टोन का भी हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं कि उसका क्या है और ये फ्रेश पर बता दे कि आपका ऑसिलेटर ऑसिलेटर है 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 क्या है? है। और टू कैविटी की क्या था बाबू आपका एक एम्पली फायर था ये सब छोटे छोटे टॉपिक जो है आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इस बात को आप लोग ध्यान देंगे आज मौसम खराब होने के वजह से बोर्ड पे हम लोग नहीं आए क्योंकि तो लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाता आप लोग को ये एक ऑसिलेटर है इसका अगर हम लोग बात करें कि डायग्राम कैसा होता है तो वो साथ में और इसका एप्पल के डायग्राम साथ में हाँ बाबू साथ में बताएंगे टेंशन लेना नहीं है क्योंकि साथ में बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को बस यही आप यहाँ भी बनाएंगे हम लोग ठीक है ना इसका अगर हम लोग फिगर बनाते हैं नॉर्मली एक फिगर बनाते हैं तो इस तरह का एक फिगर होता है इसके पास एक ही कैविटी होता है क्या एक ही कैविटी होता है इसके पास वन मिनट ये बहुत उल्टा बन गया कैविटी कितना होता है इसके पास एक ही कैविटी होता है एक ही कैिटी इसके पास लगा होता है, ये केविटी ही ही होता है। एक रेपलर स्पेस लगा रहता है ठीक है अब इधर से क्या आता है? आपका क्या आता है है आपका क्या इलेक्ट्रॉन गन से द्वारा निकल कर आता है। ये आपको गैप होता है और यहीं पे कैविटी एनोड कैविटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं रेपलर स्पेस जो होता है माइनस नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होता है कनेक्टेड होता है इधर से आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को बिना टच किए हुए इस तरह से आते हैं रिवार्ड जर्नी के थ्रू यहाँ पे चले इसलिए क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल होता है ये कनेक्टेड होता है आपको बता दे ये नेगेटिव ये ये पॉजिटिव से ठीक है ना जो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव से जब पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है इसको ये नोड बोलते हैं इसको कैथोड इसलिए यहाँ पे जो कैविटी लगा होता है इसको हम लोग कैविटी के नाम से जानते हैं ये याद रखे इसको कैविटी के, के नाम से जानते हैं यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी तरह से मूवमेंट करते रहते हैं ठीक है अब यहाँ जो बातें हैं कि ये ऑसिलेटर है बाबू तो ऑसिलेटर को हम लोग इनपुट प्रोवाइड नहीं करते हैं ठीक है अब यहां से एक ही जो है इसी से क्या लेना रहता है हम लोग को आउटपुट क्या करना था लेना रहता है इसे गैप के थ्रू हमें आउटपुट लेना है तो यहां पे आने के बाद इस गैप में क्या होता है आर सिग्नल एग्जिस्ट करता है तो आर सिग्नल

थ्री सिक्सटी डिग्री मिलता है तो आप लोगों को पता है तो इस तरह का हम लोग ग्राफ क्या कर लेते हैं बना लेते हैं सर सोडवल ग्राफ तो यहाँ से वही चीज होगा कि यहाँ से गैप यहाँ पे एक ही है और उस गैप के थ्रू हम लोग को आगे काम कर बना तो ये मान लिया जाए कि गैप है क्या यही गैप है और यहाँ पे जितना भी है इलेक्ट्रॉन आपको वही सब आने हैं पॉजिटिव नेगेटिव तीन इसको बोलते हैं कौन सा आप लोग नाम बताएंगे क्योंकि यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे अर्ली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसको बोलेंगे और लेट इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे वहां से यहाँ क्या होता है थोड़ा सा चेंज है है जो पॉजिटिव से टकराता है, इसको हम लोग अर्ली इलेक्ट्रॉन पे बोलते हैं इसको लेट बोलते हैं और सॉरी इसको रेफरेंस बोलते हैं और इसको लेट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ठीक है अब दोनों में यही चेंजिंग होता है अब इसमें एक अलग कंसेप्ट क्या है कि सर इसको किस पोजिशन से हम टकरा सकते हैं तो बाबू इसमें क्या होता है कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसको बोलते हैं ये गैप ए था और गैप बी के पास चला गया ये डायरेक्शन क्या था फॉरवर्ड था क्या था ये गैप ए या कैविटी वन या कैविटी टू था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीधा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था लेकिन जैसे ही हम लोग क्लिस्ट्रॉन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पढ़ने जाते हैं तो तब क्या होता है कि यहाँ पे कैविटी लगा रहा था यहाँ पे रेपलर स्पेस लगा रहा था या प्लेट अब ये जो हाईली नेगेटिव से अब बताओ इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज नेगेटिव अब इसका भी आ, आ प्लेट जो है नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है तो कभी चाहेगा दोनों अट्रैक्ट करें कभी नहीं इम्पोसिबल जितना दूर से ये क्या करेगा रिपेल करेगा तो अब जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो इस प्लेट के नियरेस्ट जाने का ट्राई करेगा और जिसके पास एनर्जी होगा नहीं तो ये पहले ही तो ये रिपेल कर देगा ना जिस तरह से आ, एक एग्जाम्पल दे कि स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे क्या होता है कि उसको अगर हम लोग बात किया जाए कि कोई लोग जोर से खींचता है तो जिसके पास जितना एनर्जी होता है उसको खींच पाता है या फिर उसको अगर कंप्रेस करना हो तो कंप्रेस सब लोग के बस की बात नहीं है जिसको जितना पावर होता है वो उतना कंप्रेस कर सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एनर्जी पे ही डिपेंड हो जाता है पास जितना एनर्जी है वो उतना काम को कर सकता है तो सेम काम यहां भी है कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उसके नियरेस्ट जाने के ट्राई करेगा तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वो किसके पास ज्यादा होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन के पास तो जाहिर सी बात है बाबू जो पॉजिटिव से टकरा है इसके पास जो होगा एक्चुअल जो इसका एनर्जी है उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा ठीक है और रिफ्रेंस के पास एज इट इज रहेगा और लेट के पास क्योंकि नेगेटिव से टकराया है इसके पास कम होगा एज कंपेरिजन टू अर्ली इलेक्ट्रॉन एंड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन अब आगे क्या होता है इतने के बाद हम लोग इस डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये जो हाईलाइट कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा ये जो है सबसे नियरेस्ट गया है प्लेट के पास तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन और इसके जो बिलो है कम डिस्टेंस का भी इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और ये जो सबसे कम डिस्टेंस इस, 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 इस बेंड, और, और बेंड कर सब कैविटी के, के पास आ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कौन सा तो लेट इलेक्ट्रॉन ठीक है ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब यानी गैप में आते हैं यहां से क्या होता है पास करवाते हैं किस पोर्शन से भाई तो इसको हम लोग पॉजिटिव पोर्शन से पास करवाते हैं इसलिए कि बाय क्या होता है कि जो पॉइंट स्टार्टिंग में इसको रिटार्डिंग रिटार्डिंग uh, नहीं अस्लटिंग किया था तो आप पहले ही बताया कि पॉजिटिव जो वैल्यू है ये अस्लेट करने का काम करता है बढ़ाने का काम करता है जबकि नेगेटिव जो है रिटार्ड करता है ये काम करने का एक्चुअल से काम करता है और एक्चुअल से बढ़ाता है तो ये क्या था कि स्टार्टिंग में जब असले होता था यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है आर एफ सिग्नल में ना जाकर आर एफ सिग्नल का एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन में जाते थे लेकिन जब ये रिवर्स जर्नी करता है जब ये रेपलर प्लेस के बाद ये बेंड करता है तो ठीक यही पॉइंट जो है एज आर रिटार्डिंग काम करता है एज अ रिटार्डिंग काम करता है इस बात को सब लोग ध्यान देंगे तो हम जो पास करवाएंगे यहीं से क्या करेंगे इस आप यहां से भी करा सकते हैं यहां से भी करा सकते हैं सब मोड पे डिपेंड होता है आप लोग को वीडियो में मोड बताए होंगे वन प्लस एन पाई बाई फोर आ, टू प्लस एन पाई बाई फोर इस तरह से वन माइनस इस तरह से मोड बताए थे तो मोड जो डिपेंड करता है यहां से आप पास करवाते हैं तो इसका क्या होता है था? क्योंकि हम इसका रेफरेंस लेते हैं यहाँ पास करवाएंगे यहां से कुछ और होगा यहाँ से आगे ही सब करता है ठीक है तो यहाँ जो पास करता है तो ये जो है इस तरह से इसका एपल के डायग्राम बनता है है ठीक ये ये पे टकरता नहीं है बाबू ये इस तरह से आएगा इस तरह से होकर के ठीक है ना तो बस यही और कुछ है नहीं ये के डायग्राम इसके बाद खत्म होता है इसी का बारकिंग वे में आप लोग लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके बाद एक ही इसके पास कैविटी है उसके थ्रू आउटपुट ले लेंगे और कोई बात तो है नहीं जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड कैविटी पे क्या कर लेगा कलेक्ट कर लेगा और फिर से ये ये कैथोड को दे देगा ये काम आपको चलते रहेगा तो अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है मोड एग्जाम में लिख भी सकते हैं बाबू ना भी लिख सकते हैं यहाँ पे डिपेंड है हम सारा कुछ बता दिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है ना तो मोड का जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूला आप लोग को बता दिया गया है आप लोग इसको देख लेंगे ठीक है ना चलिए आगे और कोई दिक्कत है कोई पॉइंट में यहां पे तो एक बार हमें कन्फर्म करेंगे पॉइंट में अगर दिक्कत है तो एक और कन्फर्म करेंगे सारे लोग चलिए आगे टी डब्ल्यू टी में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टी डब्ल्यू टी तो इजी है सर नुमेरकल भी बताइएगा हाँ, नुमेरिकल भी बताइएगा बताएंगे नहीं बताएंगे देखिए नुमेरकल जो इसका बेस्ट पे जो नुमेरकल पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा जो एक्चुअल वेलोसिटी जो भी नोट जिसको हम लोग बात करते हैं ये बीम वोल्टेज इसी को बोला जाता है क्या बीम वोल्टेज बोला जाता है ठीक है और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से कि भी नोट बराबर जो फॉर्मूला आप लोग के लिखाए थे टू क्यू या by m इन आपका इस तरह से भी तो यहाँ पे इस तरह से आपको रहेगा कि एक्चुअल वेलोसिटी जो रहेगा यहाँ पे ये ये जो निकल के जो भी बराबर जो हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे मास आपको पता होना चाहिए यहाँ पे चार्ज आपको पता होना चाहिए और ये जो है बीम वोल्टेज है आपका यही क्या होता है दिया हुआ रहता है बीम वोल्टेज बीम भीम फ्रीक्वेंसी इसके बाद कहेंगे कि इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा ठीक है तो इस तरह का निकालने के लिए रहेगा चार्ज निकालने के लिए रहेगा तो कुछ भी दिया हुआ रहेगा आपको निकालना है बहुत इजी इजी नोमेरिकल इसके बेस्ट पूछे जाएंगे और इसमें कुछ होता नहीं ये सब फॉर्मूला आपको बताया गया है ठीक है तो इसी बेस्ट आपको नोमेरिकल आ सकता है अगर आया तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं तो फार्मूला ये सब याद करके आप लोग रखिएगा शायद आ जाए ना ठीक है ना तो आगे बढ़े बीम वोल्टेज क्या होता है बीम वोल्टेज जो होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन बीम जो बीम किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वहां पे जो हम लोग फोक्सिंग इलेक्ट्रॉन लगाते हैं इसी को यहां पे जितना वोल्टेज इंड्यूस होता है इसे यहां पे इसी को बोलते हैं बीम वोल्टेज बीम वोल्टेज इसी को बोलते हैं यहां पे जो होता है ठीक है जो डीसी वोल्टेज होता है इसी को हम लोग बीम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं एक तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं ठीक है तो इसे बेसिक नोमेरिकल आपको पूछा जा सकता है और भी जो नोमेरिकल होगा वो बताएंगे चलिए आगे आगे टी डब्ल्यू टी में आई होप किसी को दिक्कत है टी डब्ल्यू टी टी डब्ल्यू टी बीम ट्यूब है सही है किसी को टी डब्लू टी में दिक्कत है एक बार और बात बता दे रहे कि ये जैसे ही आपको लाइव सेशन समाप्त होगा वीडियो को क्लोज कर दिया जाएगा यहां से प्राइवेट कर दिया जाएगा इस बात को एक बार और ध्यान भी रखेंगे आप लोग बाद में ये मत कहिएगा कि सर वीडियो ओपन कीजिए या फिर ना ओपन कीजिए ये आपका क्लोज हो जाएगा वीडियो जितना भी माइक्रोवेव का क्लास होगा सबका यही होल होगा सारा वीडियो जितना भी होगा सबका सब लाइव के बाद प्राइवेट कर दिया जाएगा आप लोग को थंबल में नजर आ गया होगा ठीक है तो इसे ये मत सोचेगा कि बाद में कोई देख लेंगे या फिर ये देख लेंगे चलिए ठीक है बता देंगे इच, सब बता देंगे पहले स्टार्टिंग से चलेंगे टी टी में किसी को प्रॉब्लम नहीं है अब हम लोग सीधा चलते हैं मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन क्या है तो आपको मैग्नेट्रॉन ये भी क्या है एक हाई पावर का ऑसिलेटर है क्या है हाई पावर का ऑसिलेटर है हाई पावर ऑसिलेटर है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे अब ये हाई पावर ऑसिलेटर है तो ये कुछ ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है अब इसमें दिक्कत कहां पे आ रहा है ये बताना भाई दिक्कत कहां पे आ रहे हैं इसमें ये थोड़ा सा हम कोई इंफॉर्म करेंगे कोई इसमें दिक्कत कहां पे आ रहे हैं सबको मोड बाकी पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया है पाई मोड किस तरह सब लाए थे देखिए अब कोई बता भी नहीं है स्ट्रैपिंग मैग्नेट्रॉन और चलिए देखते हैं मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन क्या है तो आपको बता दें कि मैग्नेट्रॉन एक एडवांस या मॉडर्न टीडब्ल्यू टी का रूप है आपको पता होगा क्योंकि जो टी डब्ल्यू टी में जितने कामे होते हैं लगभग सारा का सारा यहाँ पे काम होता है टी डब्ल्यू टी के रूप में काम करता था ये भी रोन जर्नी ट्रैवल करता है क्या करता है राउंड जर्नी ये भी ट्रैवल करता है और उसके दौरान अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है केवी को ठीक है ना वो अपना एनर्जी क्या करता आउटपुट पावर के रूप में अपना एनर्जी को तो उसी को हम लोग बेसिकली पाइमोड बोलते हैं तो आपको बताएं कि मैग्नेट्रॉन जो है औरों से थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या होते हैं पर पेंडे कूलर होते हैं ठीक है या फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई एंड बी लिख सकते हैं ठीक है ना ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है Uh, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं इससे परपेंडिकुलर होते हैं जिसके कारण इसको हम लोग क्रॉस फील्ड डिवाइस बोलते हैं क्रॉस फील्ड डिवाइस इसको हम बोलते हैं ये सब एमसीक्यू में आपको आएगा याद रखिएगा ठीक है अब डायरेक्ट हम मैग्नेट्रॉन पे चल रहे हैं और मैग्नेट्रॉन कैसे बनाते हैं तो पहला कंडीशन याद रखिएगा कि मैग्नेट्रॉन में नंबर ऑफ कैविटी जो होगा इवन होगा इवेंट क्यों होगा इसके पीछे का रीजन है ठीक है बस बैठ कीजिए बताएंगे ठीक है नंबर कबीटी होगा और इसको जनरली पाई मोड में हम लोग बार करवाते हैं इसलिए मैग्नेट्रॉन को पाई के लिए क्या-क्या पूछा जाता है ठीक है तो ये अब हम लोग देखते हैं बना करके वाई फिगर से ठीक है तो जनरली नंबर कैविटी हम लोग एट लगाते हैं ठीक है और एट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका आ, हम लोग अगर बात किया जाए तो हर एक के का आ, क्या एक क्योंकि थ्री सिक्सटी डिग्री चाहिए और थ्री सिक्सटी डिग्री भागा जब एट करते हैं तो शायद पैतालीस डिग्री समथिंग आता है तो यहाँ पे जितना भी चेंजिंग होता है इसके थ्रू मूवमेंट जो होता है पैंतालीस डिग्री पे होता है ठीक है तो और मोड जो होता है वन एटी डिग्री जो होता है पाई मोड यानी वन एटी डिग्री का शिफ्ट होता है तो इसका फिगर कुछ ज्यादा टफ है नहीं एक सर्कल बना लीजिएगा आराम से और एट इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग चार और एक से एक इदर, एक इदर, एक इदर. और बीच में क्या होता है ये होता है कैथोड या फिर हीटर बोल सकते हैं ये सब क्या है ये सब एनोड है एनोड कैविटी जो लगा हुआ एनोड कैविटी है ठीक है ये जो बीच वाला है ये इंट्रेक्शन स्पेस है इसी में क्या करता है कि इंट्रैक्ट होता है ठीक है तो ये दो कामों पे काम करता है पहला जो होता है कि जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो क्या करते हैं हम लोग नहीं रखते अब सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका बिहेवियर कुछ और होता है अब आर एफ पे सी सिग्नल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहते हैं तो इसका बिहेवियर कुछ और होता है आर एफ सिग्नल नहीं रहेंगे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे तो इसका बिहेवियर कुछ अलग होगा ठीक है और ये चीजें जो समझ गया उनको दिक्कत कहीं पे नहीं होती है ठीक है तो सबसे पहला हम लोग को ये समझना है कि पाई मोड जो हम लोग लाए ये क्यों लाए इसके पीछे का रीजन क्या था पाई मोड लाने का हम लोग को इसके पीछे का रीजन ये था हम लोग को कि पाई मोड जो होता है नंबर ऑफ कैविटीज का जब इवेन होता है कैविटी इन होता है तो यहां से तीन चार क्वेश्चन आप लोग को आ, बता रहे। यहां पे तीन चार जो आपका एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन को आप बताए थे कि मैग्नेट्रॉन में आखिर हम किस तरह से नंबरों के विटी को देख पाते हैं कि इवेंट रहता है जब इवेंट रहता है तो उसको वैल्यू पुट करते हैं तो पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर के आता है वो पाई आता है तो उसी पाई को थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार ताकि आप लोग भी पता चल जाए चलिए तो आपको हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ कैविटी जो हम लोग यूज करने वाले इवेन नंबर ऑफ कैविटी तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैविटी स्मॉल इन यहाँ पे होगा और जितने कैविटी लगाएंगे उतने भागा क्या कर देंगे हम लोग टू कर देंगे ठीक है अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो फेज शिफ्ट मिलने वाला है तो एक यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा तो फेज शिफ्ट कितना होगा तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइव बराबर बात करें तो टू पाई यानी वन एट डिग्री का ऑसिलेटर है तो शिफ्ट मिलेगा और जितने नंबर ऑफ यहाँ पे कैविटी है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि फाइव ही बराबर जितना भी हो वही मिलेगा ठीक है ना वही मिलेगा तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि ये जो काम करता है ठीक इसी के जैसा क्या करता है काम करता है तो यहां जो इतना फेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा चेंज एन बराबर एन बाई यहाँ पे टू होता है ठीक है तो अब हम लोग को यह समझना है कि इतने में कैसे यहां पाई का चेंजिंग आ जाता है तो इसके पीछे का रीजन है इसके पीछे का क्या रीजन है तो अगर हम लोग देखे कि भी बराबर टू एन पाई है ठीक है तो भी बराबर टू यन का वैल्यू एन बाई क्या टू है एन का वैल्यू क्या एन बाई टू है क्या हो हो जाएगा हो जाएगा आपका पाई होगा और ये कितना में तो टोटल नंबर ऑफ जो केविटी होगा इसके थ्रू इसको हम लोग बात करेंगे तो यहाँ दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा इन से एंड कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे पाई भी बराबर जो आता है आपको पाई के बराबर आता है यही के कारण है कि हम इस मैग्नेटोन को नंबर ऑफ कैविटी इवन रखेंगे और नंबर ऑफ कैविटी जब इवन रखेंगे तो जो मोड होगा वो पाई मोड होगा क्या होगा पाई मोड होगा इसके और भी डिटेल में हम डेरिवेशंस करवाए हैं आपको वीडियो में आप वहां पे जाकर के देख सकते होंगे तो हम बहुत शॉर्ट टर्म में आपको बता दिए और भी डिटेल में डेरिवेशन किया हुआ आप वहां पे देखिएगा तो बस हम लोग को ये चाहिए कि पाई मोड जो होगा 180 डिग्री का मोड होगा लेकिन कोई कहता है सर इसको अगर फेजिफ्ट जीरो होगा तब क्या होगा तो ये जीरो होगा तो इस मोड को हम लोग क्या बोलेंगे जीरो क्योंकि और दिस मोड इज कॉल्ड जीरो तो मोड अब इस वो मोड में क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बिटवीन एनोड एंड कैथोड तो ये आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा इसलिए जीरो मोड को हम मैग्नेट्रॉन में यूज नहीं करते हैं तो पाई मोड का यूज करेंगे तो यही कहता है पाई मोड का अब पाई मोड का वर्किंग दो तरह से करवाते हैं कौन सा तो ये, ये दोनों मेड जो, जो होगा एक बार प्रेजेंट होगा आरएफ सिग्नल और एक बार क्या होगा एबसेंस होगा आरएफ सिग्नल अब ये दोनों जब एबसेंट होगा और प्रेजेंट होगा इन दोनों केसेस में अलग अलग कामें होंगे अलग अलग क्या होगा काम होगा जब आर एस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ ऑफ डायरेक्शन होगा या इलेक्ट्रॉन का पाथ ऑफ बिहेवियर होगा वो आपका अलग होगा वो क्या होगा अलग होगा तो यही चीज को हम लोग देखते हैं अभी कि कैसे क्या होगा तो चलिए यहां पे देखते हैं तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोड पाई मोड मैग्नेट्रॉन मोड मैग्नेट्रॉन तो मोड मैग्नेट्रॉन जब हम लोग देखते हैं तो क्या होगा तो मोड मैग्नेट्रॉन के लिए क्या फिगर अलग बनाएंगे तो नहीं फिगर वही होगा सर कोई चेंज नहीं होगा इस फिगर में एट कैविटी लगा लीजिए बीस का इंस्ट्रक्शन स्पेस ये रहने दीजिए ठीक है कोई एक कैविटी के आ, इसे आउटपुट ले लेंगे कोई एक कैविटी नंबर ऑफ एट है कोई से एक आउटपुट हम ले सकते हैं ठीक है ये कैथोड है ठीक है ना और इधर क्या है एनोड का पार्ट है अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट होगा बाबू इमिट होकर के एनोड के पास जाना चाहेगा ठीक है तो केस नंबर फर्स्ट कि यहां पे क्या होगा अब पाई मोड जो ये पे देख रहे हैं अब्सेंस ऑफ आर एफ फील्ड अब्सेंस ऑफ आर एफ फील्ड आर एफ फील्ड का अब्सेंस में ठीक है यहां पे आर एफ फील्ड नहीं है यानी बात किया जाए तो यहां पे एसी सिग्नल नहीं है सिर्फ इसके पास क्या है डीसी है ठीक है ये यह लेवल यहाँ पे डीसी है एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यही तीन चीज है और इसी के दौरान एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके एनोड के पास जाएगा कब जब इसका जब इसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार जीरो होगा थोड़ा ज्यादा होगा क्रिटिकल फील्ड के बराबर मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा और ग्रेटर देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा ये तीन केसेस होंगे ठीक है तो आपको अगर बात किया जाए कि केस नंबर फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो होगा बाबू तब एक इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से निकल कर के, के नोड एक स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या होगा ट्रेवल करेगा डेट इज पॉइंट नंबर ए यानी वन सेकेंड केस हल्का सा क्या होगा ज्यादा होगा ज्यादा नहीं हल्का सा क्या होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं. Slightly greater. मतलब ज्यादा नहीं हल्का ज्यादा होगा तब क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन के थोड़ा निकल करके स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि थोड़ा सा कर्व लेगा ठीक है यहाँ पे कर्व है ध्यान दीजिएगा यहां से स्ट्रेट होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट के कारण थोड़ा सा ये वेंड कर जाएगा और ये जो होगा केस नंबर टू या इसको हम लोग बी लिख सकते हैं ठीक है तीसरा तीसरा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड अगर किटकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा तब फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा कैथोड से निकलेगा कैथोड से निकल करके नोड सरफेस को टच करते हुए ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा पॉइंट नंबर सी ठीक है और चौथा जो होगा जो बात करेंगे हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा बीसी से क्या हो जाएगा इक्वल था और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा ठीक है जब ज्यादा होगा तब क्या होगा तो भी एक अलग केस बनेगा बनेगा ना तो जब ज्यादा होगा तो यहां पे बहुत से चीजें आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो गया यानी जब बराबर था तब ये नोट सरफेस से टच किया था अब मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा नोट निकलेगा और विदाउट टचिंग ऑफ एनोड सरफेस ये कहाँ चला जाएगा ये डी पॉइंट कैथोड में चला जाएगा तो यही चार चीजें जो हैं यही चार चीजें जो हैं चार केसेस जो है यहां पे बताता है एबसेंस ऑफ आ रहा फील्ड होगा तब पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो सकता है तो यहां तक समझ में आया सबको तो इस जो एक केस आता है बैक हिटिंग का क्योंकि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बाबू वो अगर फोर्थ कंडीशन पे काम करे फोर्थ कंडीशन पे ये काम करे तो क्या हो सकता है तो फोर्थ कंडीशन पे काम करे तो ये हो सकता है कि जितने यहां से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेकर के निकला था वो सब का सब एनर्जी लेकर के वापस चला जाता है ठीक है कब जब एनोड सरफेस को बिना टच के एनोड सरफेस को बेचारा टच भी नहीं करता है इसी के पहले ही क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड इतने इफेक्ट यहां पे डाल देते हैं इतने इफेक्ट डाल देते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है उसको बेंड करना पड़ जाता है और यही बेंडिंग करता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा हो जाता है अब इसी को बैक हिटिंग बोलते हैं हम लोग फोर्थ है इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैक प्रोसेस है? वैक प्रोसेस क्या बोला जाता है है इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं बैक अगर हम लोग बैक हीटिंग को देख पाए तो ये ज्यादा प्रॉब्लम इसको हम लोग सोलूशन बहुत जल्दी कर लेते हैं क्योंकि जो भी कैथोड में हीटर सप्लाई जो दिया जाता है जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रॉन यूमिट होता है तो उसकी हीटर सप्लाई को कम कर देंगे बैक हीटिंग प्रोसेस आपका एज इट इज नॉर्मल हो जाएगा कोई बड़ी चीज है नहीं ठीक है लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि बीट पाई मोड में आर फील्ड एक्टिव होगा यानी आर फील्ड अवेलेबल होगा उस टाइम क्या होगा तो चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं उस टाइम क्या होगा तो उस टाइम जो होगा काफी मजेदार वाला बात होगा ये फिगर जितना बनाएंगे एग्जाम में लिखिए कम फिगर बनाइए ज्यादा वो काफी ज्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव होगा ठीक है ना वो मजा भी आएगा देखने में कॉपी जो चेक करेंगे उनको भी काफी मजा आने वाला है तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हर एक कैविटी जो है पाई मोड में है चेंज है ठीक है ना हर एक क्या है पाई मोड में चेंज है ये कैविटी अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस होगा ये प्लस है माइनस होगा प्लस है माइनस होगा प्लस है माइनस होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मतलब हर एक कैविटी यहाँ पे देख पा रहे हैं वो वन एटी डिग्री से क्या है आपका चेंज है ठीक है कोई एक से आउटपुट आप ले सकते हैं अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये काम कैसे करेगा ठीक है तो यहां पे ध्यान से आप लोग देखें कि अगर ये प्लस टू माइनस आर एफ एक्टिव फील्ड है तो इसका जो डायरेक्शन जो होगा इसका वो इसका बहुत अच्छा लगेगा देखने में इस तरीका से और प्लस टू माइनस इसका क्या होगा डायरेक्शन होगा ठीक है ये भी प्लस टू माइनस सब प्लस टू माइनस यहां पे होगा इस तरह से आप लोग बनाइएगा अच्छा लगेगा देख करके ये तो बनाने सबको आ जाएगा ना कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि इसमें आप लोग ना बना सकते हैं ठीक है ना ये ऐसा होगा ऐसा को डायरेक्शन दे दीजिए प्लस टू माइनस इसका तो डायरेक्शन होगा वो तो प्लस टू माइनस होगा वो तो नहीं पता चल रहा है इस तरीका से ये आप लोग डायरेक्शन सब दे लेंगे किस डायरेक्शन में क्या करेगा ये काम करेगा ठीक है अब यहां को वही काम होना चाहिए यहां से कैथोड है और यह कैथोड से क्या होगा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इस के, के चारों अराउंड कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं बाबू अब डिपेंड ये करेगा कि निकलेगा टकराएगा किस पोजीशन से ठीक है? और यहां पे वही जो होगा सबसे बड़ा काम करेगा ठीक है तो यहां ध्यान देना है कि जो चौथा जो हम प्रोसेस आपको बताए थे वो काम का चीज है ठीक है वो काम का चीज वही चार ये तीन कंडीशन जो है बाबू इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूज करने वाले हैं बी ग्रेटर देन बीसी यानी मैग्नेटिक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें क्या होता है कोई इलेक्ट्रॉन होता है और यहां से निकलता है बिना टच के हुए वापस आ जाता है जैसा कि हम लोग बात की यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला बिना टच किए हुए ऐसे वापस आ गया ठीक है तो ये जो चीजें हैं आपको आ, उतना अच्छे से नहीं समझ में आएंगे लेकिन एक और चीज हम बता रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है बाबू और ये पॉजिटिव से टिप टकराता है फिर से ये वापस आ जाता है ये चीजें काफी मजेदार चीज हो जाता है इसमें क्योंकि अब होता क्या है कि एक्चुअली जो बैक हिटिंग की हम बात किए यही जो प्रोसेस है वो बैक हिटिंग का नाम करता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से ये निकला था वो तो ठीक है अब जब ये पॉजिटिव पोर्शन से टकराया है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा वो सारे एनर्जी बढ़ा हुआ लेकर के अगर इससे फिर से कैथोड में आ गया तब क्या होगा तो फिर से कैथोड में अगर ये आ गया तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा उससे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं कि इस कैथोड में जो टेम्परेचर क्यों होगा वो एक हजार वोल्ट ये कैथोड काम कर रहा होगा लेकिन मान लिया ले जाए कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के यहां पे आ जाता है तो इसको क्षमता है एक हजार का और यहां पे और बढ़ बार जाएगा बाढ़ेगा कैसे तो पॉजिटिव वोल्टेज का एनर्जी जो यहां पे इंड्यूस्ड होगा उसको लेकर के आ जाएगा तो इसी का नाम है बैक हिटिंग तो हम लोग अगर ये पचास एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है पचास एक्स्ट्रा तो ये एक हजार है पचास को कम कर देंगे नौ सौ पचास कर देंगे तो नौ सौ पचास प्लस पचास कितना हो जाए? एक हजार हो जाएगा तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं सप्लाई को हम चेंज करके इस बैक हिटिंग को हम नॉर्मल कर सकते हैं ठीक है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन निकलता है ये नेगेटिव से अगर ये टकराता है तो नेगेटिव इसको रिटार्ड करता है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है और आर ए फ्ड भी अवेलेबल है ये रिटार्ड करता है रिटार्ड करता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है कि ये यहां से बेंड करता है यहां से 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 ये ये क्या करता है बेंड ये बेंड किया हल्का सा तुरंत पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा टकरा गया गया अब जब बाबू तो ये और इसको स्पीड को क्या कर देगा बढ़ा देगा क्योंकि इसको बेंड हो गया है ना हल्का ये और बेंड हुआ तो और क्या करेगा पॉजिटिव इसका अस्लट कर देगा ताकि और तेजी से क्या होगा बेंड हो जाएगा और और तेज़ जब बेंड होगा तो ये क्या करेगा इसके बाद फिर नेगेटिव ये और क्या करेगा रिटार्ड कर इसके बाद ये क्या होता है कि इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देता है किस तरह से इस तरह घूमता अपना सारा एनर्जी जो है जितना ये नेगेटिव में जितना ज्यादा ये टकराएगा अपना एनर्जी को क्या करेगा ये देते रहेगा ठीक है एटलीस्ट ये इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है काफी ज्यादा खत्म हो जाता है मतलब ये डेढ़ जोन में चला जाता है तब एक पॉजिटिव वाला कहीं भी क्या कर लेता है ये इसको कलेक्ट कर लेता है इस दौरान जितना भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था एक इलेक्ट्रॉन नहीं हम आपको एक बताए हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से काम करते हुए रहते हैं बहुत सारे एक नहीं बहुत सारे हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं वो अपने एनर्जी को डिलीवर करते रहते हैं और एफ सिग्नल को और कोई एक कैविटी से हम क्या ले लेंगे आउटपुट कोई एक कैटी से हम आउटपुट ले लेंगे ठीक है यहाँ से आउटपुट लेना चाहेंगे तो यहाँ से इसीलिए इसको होता तो है हाई पावर ये क्या होता है ऑसिलेटर और टी डब्ल्यू टी जो होता है हाई पावर आपका एम्पलीफायर होता है बस इन दोनों में अंतर यही है ठीक है लेकिन टी डब्ल्यू टी का मोडर्न जो है यहाँ पे चीजें जो देखने को मिलता है वो आपको मैग्नेट्रॉन में ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है तो ये जो लॉन्ग जर्नी जो ट्रेवल किया वो आपको होगा थर्ड सेमेस्टर का बता दे बाबू कल दो बजे से और पांच बजे से दो बजे से नेटवर्क का है और पांच बजे से आप लोग का ईडीसी का है तो इस बात को आप लोग देखेंगे बाकी आपको शेड्यूल जो ग्रुप में शेयर किया गया है बोस्टर बैच का वो आप देख सकते हैं अभी सिक्स सेमेस्टर का चल रहा है क्लास ठीक तो है तो रूटीन के अनुसार ही आपका क्लास चलेगा जैसे जैसे रूटिंग होगा उसी तरह से आपका क्लास भी चलेगा चलिए तो यहां तक किन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत है तो बताएंगे कई तरह से मोड काम करते है इसके बाद जो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे बताएंगे फेवरेबल इलेक्ट्रॉन अनफेवरेबल इलेक्ट्रॉन कौन कौन है सबको पता चल गया जो मेरे लिए काम का चीजें हैं जो लॉन्ग जर्नी ट्रेवल के फेवरेबल है बाकी सारे इलेक्ट्रॉन अनफेवरेबल है ठीक है बताएंगे एक और कमेंट करके कमेंट करके बताएंगे दिक्कत है यूनिट वन पूरी तरह से कंप्लीट होता है इसी तरीका से यहां पे और जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग बनाते रहिएगा प्रैक्टिस करते रहिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा वो ज्यादा बेहतर होगा ठीक है ना लिख करके कीजिएगा वो ज्यादा आपका बेहतर होगा तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा एक दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा और पांचवा आप लोग को बता दे पांचवा क्वेश्चन बता दे कि टी डब्ल्यू टी ठीक है और छठा क्वेश्चन टी डब्ल्यू टी और टू कमिटी में डिफरेंस और सातवा क्वेश्चन ये डिफरेंस छठा में और सातवा में जो होगा आपको मैग्नेट्रॉन बस इतना ही क्वेश्चंस तो पढ़ना है बाबू यूनिट वन में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा जो भी पूछेगा इसी के अंतर्गत में आपसे पूछा जाएगा ये ये दोनों का जिक्र कर दीजिएगा कोई दिक्कत तो है नहीं दो फिगर बनेगा बस कंडीशन करके दोनों का जिक्र कर दीजिएगा अगर आपको टाइम के कमी होगा तो आप एक्टिव वाला जिक्र कीजिएगा ठीक है अगर एग्जाम में आता है मैग्नेटोल लिखने के लिए आपके पास टाइम होता है टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम करना है टाइम होगा तो आप क्या कीजिएगा दोनों कीजिएगा ठीक है और टाइम नहीं होगा तो आप दोनों नहीं कीजिएगा एक्टिव आ फील्ड वाला करने का ट्राई कीजिएगा आप लोग अब आगे का चीजें है यूनिट टू में आते हैं डायोड इसमें क्या प्रॉब्लम है डायोड में डायोड में प्रॉब्लम क्या है बताएंगे सारे लोग मैसर तो मैसर का वीडियो नहीं देखे हैं क्या बस तो है, टॉपिक और बस ये तीन तो चीजें हैं बस वहां पे ये हम लोग को देखना रहता है कि किस तरह से एक के जो फोटोन होता है वो अपना सेकेंड स्टेज पे जाता है कितना देर तक वहां अवेलेबल होता है यही चीज तो मैसर में है मैसर में तो कुछ है नहीं इसमें दो बैंड देखना रहता है इस बैंड पे एक यहाँ पे जाता है कितना देर यह स्टेबल रह पाता है इसका एक अलग प्रोसेस है यहाँ के बाद यहाँ जाता है इसका अलग प्रोसेस है ठीक है तो बस ये दो चीज तो है वहां पे इसको देख लेना और तो इसमें कुछ है नहीं और इसमें है क्या हमको तो यही नहीं समझ में आता कि आप लोग अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो एस्टोमेटेडेडन यही सब चीजें तो है लिखा हुआ वहां पे तो ये कोई बड़ी टॉपिक है नहीं इसको आप लोग कर लीजिएगा ठीक है शॉर्ट नोट्स में आएगा दो नंबर में लिखने के लिए ठीक है हाँ इम्पैक्ट डायोड एक टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है डायोड तो इसको हम बताएंगे देखिएगा एक और नोट्स पढ़ने का ट्राई कीजिएगा आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा देखिए इम्पैक्ट डायोड आप लोग को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि बीच में उसका लेयर में कह रहा है किस क्या हो जा रहा है एड हो जा रहा है तो अगर आप लोग को हम बात किया जाए कि आप लोग इसका फिगर कैसे बनाते हैं सबसे पहले ये देखिएगा इम्पैक्ट डायोड का पूरा जो नाम है आपको आ, इसे आई एम से क्या होता है आपको बता दे आ, आई एम पी ये तीन वर्ड जो होता है इम्पैक्ट कुछ करता है इसे जो होता है या फिर इस तरह से इंपैक्ट ये पूरा नाम से हम लोग इंपैक्ट आयोनाइजेशन इस तरह से पूरा हम लोग ले सकते हैं आईएमपी का मतलब होता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन ए फोर होता है अभलानचे ए फोर क्या होता है और टी फोर होता है ट्रांजिट और टी से फिर होता है टाइम इसका पूरा चीज यही है जो है ये काम करता है ठीक है इसमें हम लोग ये देखते हैं कि काम कैसे करता है सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कंस्ट्रक्शनल फिगर देख सकते हैं हम लोग इसका तो ये भी डायोड ही एक प्रकार का है और डायोड में हम लोग जानते हैं कि दो ही पीएन जंक्शन होता है कितन जंक्शन होता है सॉरी वन पीएन जंक्शन होता है टू लेयर होता है ठीक है और आपको बता दें कि कनेक्टर जो होता है रिवर्स वैश्व होता है आप लोग को ये पता भी होगा पता है ना ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है यहाँ से भी अप्लाई कर दीजिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या कहाँ पे नहीं समझ में आया है यही हमको नहीं समझ में आता है तो अगर इसको हम लोग बात किया जाए कि P रीजन है तो इधर आपका N रीजन होगा तभी P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तब ये जो कनेक्शन होता है रिवर्स वॉइस कहलाता है ठीक है यहाँ पे एनोड टर्मिनल no होंगे यहाँ पे कैथोड टर्मिनल होगा ध्यान समझिएगा इंपैक्ट डायोड को ठीक है अब यहाँ पे आपको बता दे कि एक के बीच में ड्रिफ्ट रीजन होता है ये जो रीजन होता है बाबू ये ड्रिफ्ट रीजन होता है अब ड्रिफ्ट रीजन, रीजन होता क्या है ये ड्रिफ्ट रीजन होता क्या है ड्रिफ्ट रीजन एक चीज और आपको बता दे कि आप लोग इंट्रेंसिक समझे होंगे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या इसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू तो नंबर ऑफ होल होता है इसमें हम चाह करके ज्यादा कंडक्टिविटी को बढ़ा नहीं सकते हैं ठीक है इसमें चाह करके भी हम ज्यादा कंडक्टिविटी को बढ़ा नहीं सकते हैं ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे कंडीशन जो बनता है ये पूरा एक तरह से अगर हम लोग बात किया जाए तो अगर इस यहाँ पे एन प्लस रीजन हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे पी प्लस रीजन देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि तो इसका डॉपिंग काफी ज्यादा हाई होता है क्या होता है डौ, डॉप डॉपिंग काफी ज्यादा क्या होता है हाई होता है और इस बीच के रीजन जो होता है इंटेंसिक रीजन कहलाता है आप लोग पिन डायोड पढ़े होंगे अभिषेक अभिशेक्श जब बता रहे होते हैं तो पिन डायोड में सेम यही कंस्ट्रक्शन होता है ये पी होता है और बीच में आई होता है और इधर एन होता है ये आई जो होता है यही इंट्रेंसिक रीजन होता है पिन डायोड में भी ये चीज आप को क्या करना था पढ़ना था ठीक है तो बस यही चीज यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे किस तरह से ये काम होता है और हम लोग को कुछ भी नहीं यहाँ पे समझना है ठीक है ना ये किस तरह से काम करता है और ये काम करता है उसी टाइम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अलग चार्ज का जनरेशन कब होता है जब यहां को करते हैं वो एक अलग कंडीशन होता है उसके बाद करेंट और वोल्टेज में कितने डिग्री का शिफ्ट प्रोवाइड होता है ये भी यहां से हम लोग क्या करेंगे समझने का ट्राई करेंगे ठीक है तो ये तीन क्वेश्चन जो होगा हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ठीक है तो अब आइए हम लोग देखते हैं सबका क्या होता है एक डिस्टेंस होता है क्योंकि डिस्टेंस पे ही डिपेंड करते हैं इसका भी डिस्टेंस अलग होता है यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग ये सारा चीज आपका वीडियो में क्या किया गया बताया गया है ठीक है अब यहाँ पे दो तरह का रीजन होते हैं एक अबलांचे रीजन होता है एक ड्रिफ्ट रीजन होता है अब अबलांचे रीजन कब होता है ड्रिफ्ट रीजन कब होता है ये भी चीज हम वीडियो में काफी बेहतर ढंग से हम बताया गया है ये भी चीज बहुत अच्छे से बताया गया अब लांचे रीजन और रीजन, रीजन इन दोनों रीजन को आप काफी अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पे कोई आपको दिक्कत होना चाहिए तो सबसे पहले ये हम लोग समझे कि अब लांचे रीजन होता क्या है अब लांचे रीजन होता क्या है? ठीक है और उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे ड्रिफ्ट रीजन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट रिज़न और उसके बाद इसका व्यय कैजिस्टिक्स को देखेंगे अब व्यय कैजिस्टिक्स के साथ हम लोग आगे करेंगे तो इसमें यह होता है कि जब इम्पायर डायोड को हम लोग बात करते हैं हाईली रिवर्स वाइज वोल्टेज अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेट लगभग और यहाँ पे लिखा जाता है 400 सौ के वी पर सेंटीमीटर इतने के साथ इतने हाईली मतलब ग्रेडियंट वाला बोला जा सकता है इसको उसके अवेलेबल करते हैं रिवर्स वॉइस वोल्टेज तब क्या होता है कि एकाएक से अब बताओ बाबू एक डायोड जो होता है और इसका कटिंग वोल्टेज होता है जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट होता है अब जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट कटिंग वोल्टेज है अब यहाँ पे हाईली पोटेंशियल हम हम लोग अप्लाई करते हैं तब क्या होगा अचानक से करेंट काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा करेंट काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा जो एक नॉर्मल डायोड एक क्रिस्टल डायोड नहीं सा सकता है नहीं उसको समझ सकता है उस वोल्टेज को वो चाहे तो डायोड खराब हो जाएगा चाहे तो डायोड जल जाएगा तो इसीलिए एक स्पेशल केसेस का आपको डायोड बनाया जाता है और एक आप लोग जीना डायोड भी पढ़े होंगे उसमें भी शायद यही प्रॉब्लम होता है कि एक और डायोड से ये अलग होता है जीना डायोड उसमें भी काफी ज्यादा हम पोटेंशियल हाई प्रोवाइड करते हैं काफी ज्यादा पोटेंशियल हाई प्रोवाइड करते हैं ठीक है ना तब क्या होता है तब ये जो काम करता है एक और रिवर्स वोल्टेज पे काम करता है और यहां पे जितने भी करेंट जो फ्लो होंगे रिवर्स बाइस में मेजोरिटी नहीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होते हैं तो यहां पे जितने भी करेंट फ्लो होना है ये सब माइनॉरिटी के वजह से फ्लो होगा किसके वजह से होगा फ्लो बाबू माइनरिटी के वजह से क्या होगा फ्लो होगा इसी दौरान हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इसमें काफी ज्यादा फ्लो हो रहे होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा होगा अब यहां पे क्या करता है एक, एक सिग्नल का सुपर इम्पोज इस पे का कर दिया जाता है सुपर इम्पोज कर दिया जाता है ठीक है ना कब जब हाईली डीसी से क्या कर रहा है निकल रहा होगा डीसी वोल्टेज ये सब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पे सब डीसी होगा इस पे हम अगर एसी वोल्टेज को कर दे अब यहां से क्या होगा तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों मिलकर के क्या इलेक्ट्रॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और और सॉरी होल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज अब इन दोनों मिलकर के ही तो सारा काम करेंगे तो इन दोनों जितना ज्यादा डिफ्यूज करेंगे तो कि यहां से एडिशनल चार्ज कैरियर का जनरेशन होगा क्या होगा एक एडिशनल चार्ज कैरियर का जनरेशन होगा और यही चार्ज कैरियर का जो एडिशनल यहाँ पे जेनरेट होगा तो जेनरेट होने की प्रक्रिया को बोलते हैं आवलांचे रीजन और ये जो जेनरेट होगा आपका यहां पे होगा ठीक है अब यहां पे एक अलग चार्ज चार्ज कैरियर कैरियर होगा तो ये कहां पे ये जाना चाहेगा ड्रिफ्ट रीजन में जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल क्या है इक्वल है और ड्रिफ्ट रीजन के लेंथ पे क्या करेगा डिपेंड करेगा क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होता है इसलिए इस पॉइंट से और पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इसको क्या लगेगा टाइम लगेगा क्या लगेगा टाइम लगा यही टाइम टेकन जो होता है करेंट और वोल्टेज के बीच में चेंजिंग करता है और ये जो चेंज होता है इसी का एक वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे इंटेन्सिक सेमीकंडक्टर का कुछ मटेरियल रखे जाते हैं चाहे सिल्कन का हो चाहे जर्मेनियम का हो चाहे गैलियम का हो किसी भी तरीका का यहाँ पे मटेरियल रखा जाता है और इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होती नहीं है जिसके कारण जो एडिशनल चार्ज कैरियर यहाँ पे जेनरेट होगा एडिशनल चार्ज कैरियर को यहां से यहाँ पूछने में टाइम टेकन होगा और यही जो टाइम टेकन होगा वो करेंट और वोल्टेज के बीच में नाइंटी डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा कितना 90 डिग्री का और करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का क्या होता है ओवरऑल पे डिफरेंस देखने को मिलता है और ये काफी ज्यादा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो आपको देखने को मिल जाएगा कैसे वो हम लोग करंट और वोल्टेज को एक तरफ देखेंगे एक तरफ और देखेंगे तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है यहां पे यही देखने को मिलता है तो ये प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा कि अभलानचे रीजन और ड्रिप रीजन दोनों में कैसे एक एडिशनल चार्ज कैरियर जब डिफ्यूज होगा वहां से एक अलग एनर्जी के साथ एक चार्ज कैरियर जनरेट होगा जो कि ड्रीप रीजन को क्रॉस करते हुए करेंट को फ्लो करवाएगा तो ये एक अलग कंसेप्ट है इसके बाद आपको यहां से इस चीज को समझना पड़ता है और यहाँ पे समझने के बाद आप इस चीज को बहुत अच्छे समझ सकते हैं ठीक है तो यही है और आगे हम लोग देखते हैं किसका फ्रीक्वेंसी कि इसका यहां तक समझ में आया सबको यहां तक समझ में आया तो आगे आपको बता दे कि इसका फ्रीक्वेंसी का अगर वैल्यू निकालना होगा आपको बाबू तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालने के लिए और vd आपका vd 2l हो जाएगा ठीक है vd भीड़ी जो होगा आपको बता दे कैरियर वेलोसिटी होगा वहां पे आपको दिया जाएगा ये जो उसी आपका गिवन रहेगा, रहेगा अवेल जो रहेगा लेंथ रहेगा क्या जो अभी हम लेंथ, बताएं, डिस्टेंस बताएं, वही लेंथ रहेगा किसके बीच तो ड्रिफ्ट स्पेस का तो ड्रिफ्ट स्पेस कौन था तो वही चीज जो हम लोग ड्रिफ्ट रीजन देखे वही क्या होगा ड्रिफ्ट स्पेस होगा इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा इसका ओवरऑल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ठीक है और एफिशिएंसी निकालना होगा तो हम लोग एफिशिएंसी के इटा बराबर क्या हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं एसी पावर बाय डीसी पावर तो पीएससी बाय पीडीसी इसको निकाल सकते हैं पीएससी कौन होगा और पीडीसी कौन होगा आपको बता दें ये, ये डीसी टर्म होगा और जैसे एसी वोल्टेज अप्लाई किए ये होगा और जो इलेक्ट्रॉन निकल के वहां का पावर ये होगा ठीक है तो ये कर सकते हैं इसको वोल्टेज और करेंट के रूप में हम लोग देखना तो भी आप कर सकते हैं कि पी बराबर आई इंटू भी होता है तो अगर और भी इसको डीपली लेकर जाना है तो पावर तो आई ए सी इंटू भी हो जाएगा बटा आई डी सी इंटू वी डी सी हो जाएगा ये भी लिख सकते हैं या फिर किसी को पता है स्क्वायर होता है और यहाँ पे भी स्क्वायर बटा का क्या ये सॉरी एक ही चीज दोनों लिखेगा आई स्क्वायर आर तो आई स्क्वायर आर भी लिखेगा और अगर किसी को लिखना है, वी है तो वी है तो पावर किसी भी आप देख सकते हैं यहाँ पेगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पे आए, जो आया, वो स्क्वायर में ठीक है तो इतने चीजें हैं यहाँ पे आपको समझना कितने अगर आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका कैजिस्टिक्स जो बना वो किस तरह से बना वो देखते हैं ध्यान से चलिए तो इसका कैजिस्टिक्स हम लोग देखिए अभी कि कैसे काम कर रहा था ये चलिए ग्राफ ले, ले लेते हैं इस तरह से ठीक है इस ग्राफ में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के चलते हैं यहां पे क्या करता है एसी सिग्नल लोग अच्छा से बनाएगा इसको नीचे तरफ ला करके और ठीक है ये है यहाँ पे ये जो वैल्यू आपका ये जो वैल्यू निकल रहा है ये डीसी का वैल्यू है और ये जो वैल्यू है आपका ए सी का है ठीक है जो ऑप्शन शेड्यूल सिग्नल ए सी है ये डीसी है, है अब यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगा एक यहां पे एक यहां पे और एक यहाँ पे तीन तरह का वैल्यू आपको यहां से देखने को मिलेगा ठीक है और यही जो आप लोग डीसी जो अप्लाई किए थे कितना वो चार सौ के भी पर सेंटीमीटर अप्लाई किए थे यहीं से ठीक है और इसी वैल्यू पे हम इसी सिग्नल को क्या किए हैं सुपर इम्पोज करके रखे हैं ठीक है अब यहां से क्या होगा तो यहां से जो ग्राफ आपको जो बनेगा वो ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा यहां से ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और यही जो ग्राफ होगा करेंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आपको बताएगा तो इस रेफरेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं के रेफरेंस को कंसीडर करते हैं ए रेफरेंस कंसीडर करने के बाद हम लोग यहां पे देखते हैं कि एकाएक एक जब पल्स यहां पे मैक्सिमम और पल्स यहां पे जीरो दो तरह का यहां पे देखने को मिलेगा यहां पे आपको मैक्सिमम पल्स देखने को मिलेगा यानी कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू और इस पोजीशन पे जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिनिमम बात किया जाए को Uh, सबसे मिनिमम आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे एज मिलेगा तो यहाँ पे ये यह मैक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका मिनिमम होगा ठीक है कि यहाँ पे मिनिमम होगा करेंट पल्स ठीक है अब इन दोनों का वोल्टेज भी आप लोग ध्यान से समझे तो यहाँ पे वोल्टेज सबसे ज्यादा कम होगा और यहाँ पे वोल्टेज सबसे ज्यादा अधिक होगा बात को समझिएगा ध्यान से ठीक है तो यहाँ पे जब ये कमेगा और तो क्या हो सकता है और बढ़ेगा वोल्टेज तब क्या हो सकता है अब इन दोनों के बीच हम करेंट पल्स को ही देखेंगे आप लोग मल्टीवाइब्रेटर काफी अच्छे से पढ़े होंगे वहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन हाई पल्स या हाई मैग्नीट्यूड शॉर्ट ड्यूरेशन इस तरह के चीजों जो आप लोग पढ़ करके आए हैं सेम वही चीज यहां भी है तो स्ट्रेट लाइन यहां से इस तरह से बना लेना बाबू यहां तक ही। स्ट्रेट लाइन यहां तक यहां तक कोई चेंजिंग देखने को है। एक यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलता है और एक यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलता है यहाँ पे नाइन्टी डिग्री फेस शिफ्ट होता है और नाइन्टी डिग्री फेस शिफ्ट आपका यहाँ पे होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहां तक उतना चेंजिंग देखने को आपको नजर नहीं आता है लेकिन यहाँ से करेंट मैग्नीट्यूड में चेंजिंग देखने को मिल जाता है इस तरह से तो ये ड्यूरेशन क्या होता है शॉर्ट होता है मैग्नीट्यूड इसका काफी ज्यादा होता है तो यहाँ पे जो मैग्नीच्यूट आपको प्राप्त होगा ये करेंट का मैक्सिमम पल्स यहां पे होगा क्या होगा? मैक्सिमम पल्स यहाँ पे होगा। जब की यहां पे आपको बात किया जाए तो ध्यान से हम लोग देखिए जीरो वोल्ट होगा देख लीजिए यहां पे यहां पे भी इज इक्वल टू क्या है जीरो वोल्ट होगा तो जीरो वोल्ट पे यहां पे मैक्सिमम पल्स देखने को मिल रहा है करेंट का मैक्सिमम पल्स ठीक है ये जो आपको बता दे कि ये जो ग्राफ जो बन रहा है करेंट का ग्राफ बन रहा है यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा ये करेंट का ग्राफ बन रहा है ठीक है तो ये जो 90 डिग्री का चेंज हुआ तो ये करेंट पल्स में देखिए चेंजिंग मिल रहा है जब ये जीरो वोल्ट है वोल्टेज का यहां यहाँ पे जब हम लोग सुपर इम्पोज किए हाई किए तो उतना चेंजिंग देखने को नहीं मिला जबकि जब ये कर रहा है और करते तो हुए जीरो पे आ गया जीरो पे पल्स जो करेंट का मिल रहा है वो काफी ज्यादा मिल रहा है और उसके बाद यहां पे आपको पल्स मिल रहा है मिनिमम पल्स क्या मिल रहा है मिनिमम पल्स मिल रहा है और यहाँ पे बी इज इक्वल टू माइनस का भी मैक्स होगा यहाँ का जो वोल्टेज होगा मैक्सिमम नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो मिलेगा कैथोड पोटेंशियल पे आपको बता दे ये जो मिलने वाला है वोल्टेज जो कैथोड पोटेंशियल पे होगा वहां पे तो ये कैथोड पोटेंशियल कहाँ पे था तो आपको बताया था देखिए यहाँ जो पोटेंशियल है बाबू ये पोटेंशियल कैथोड है और यहाँ हाईली नेगेटिव पे आपको करेंट फल्स मिलेगा सबसे कम मिलेगा जबकि इस पोजीशंस पे यहां पे जब वोल्टेज क्या है जीरो है सुपर इमोलो सुपर इम्पोज रीजन है इस पे क्या मिलेगा वोल्टेज जब जीरो होगा क्योंकि ड्रिप रीजन का वोल्टेज क्या होता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल का जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज जीरो पे मैक्सो एम्पलीट्यूड मिल रहा है कब जब यहाँ से अब रीजन एक एडिशनल चार्ज के रिगर जनरेट होगा और ये एडिशनल चार्ज के जो होता है बाबू इलेक्ट्रॉन और होल को रिकॉम्बिनेशन जब होता है उसके बाद रिकम्बाइंड होकर के एक अलग एनर्जी क्रिएट होता है जो करंट फ्लो करता है ड्रिफ्ट रीजन में और वहां पे जो वोल्टेज होता है जीरो और करेंट फल्स होता है आपका हाई होता है तो यही चीज यहाँ पे आपको क्या करना था समझना था कि किस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है तो 90 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहां पे तो ओवरऑल करेंट और वोल्टेज में जो चेंजिंग आता है यहाँ पे ये यह वोल्टेज का टर्म है आपका और ये करेंट का टर्म है अब इन दोनों में जो चेंजिंग आएगा वन डिग्री फेस शिफ्ट मिलता है करेंट और वोल्टेज के बीच में ठीक तो है तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग ठीक है तो आई होप आपका क्लियर हुआ अब अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और, और आपका ऑनलाइन जो वीडियो दिया गया है उसको देखने का ट्राई करेंगे अब वहां पे आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इसके परफॉर्मेंस के जितने चीजें जो हैं याद रखेंगे ठीक है तो अब बताएंगे एक बार कमेंट करके सर प्रॉब्लम क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ बताएंगे सभी लोग और प्रॉब्लम में जिनका था जो क्वेश्चन पूछे तो उनका क्लियर हुआ प्रॉब्लम जिनका था उनका क्लियर हो गया और डायोड में एक गान डायोड, था। गान डायोड को तो काफी अच्छा से हम उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए गांड में दिक्कत है गान डायोड भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो कल माइक्रोवेव का एग्जाम भी है आप लोग को पता है ना जो लोग एग्जाम के पहले एग्जाम दे रहे हैं उन लोग का कल एग्जाम भी है चलिए तो वहां पे बता दें कि न्यूमेरिकल पोर्शन आपको ज्यादा रखा गया है और न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान देंगे कंप्लीट करने का ठीक है ना और न्यूमेरिकल तो ज्यादा हम बात किए नहीं है बाबू तो कल का जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, है उनका फिलिस्ट्रॉन से न्यूमेरिकल है जो एक अभी फॉर्मूला बताए बीम वोल्टेज और ये सब निकालने के लिए उससे एक न्यूमेरिकल दिया गया है दूसरा टी डब्ल्यू टी से न्यूमेरिकल दिया गया है वहां पे एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को आ, फेज वेलोसिटी बराबर फेज वेलोसिटी बराबर बताए थे c इन टू पीच बाई टू पाई आर तो इस पे एक बेस्ट न्यूमेरिकल हो सकता है ठीक है और अगर और बात करें हम लोग तो डायरेक्शनल कपलर से आपका न्यूमेरिकल हो सकता है ये सब न्यूमेरिकल हम करवाए नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा हो सके क्वेश्चंस आ जाए कल के ठीक है और नोमेरिकल आपको ट्रांसमिशन लाइन से दिया गया है और बी एस डब्ल्यू आर जिसको हम लोग बात करते हैं इससे नोमेरिकल है ठीक है और नोमेकल आपको है से नोमेरिकल दिया गया है ठीक है ना वेब गाइड से भी नोमेरिकल दिया गया है आ, बे, आ, और गाइड में एक्चुअली ट्रांसमिशन और वेब गाइड जिसमें आपको कट कट ऑफ वेवलेंथ भीपी निकालने के लिए दिया गया है या फिर भिजी निकालने के लिए दिया गया या फिर इंट्रेंसिंग इम्पिडेंस निकालने के लिए दिया गया हो ठीक है ना तो ये सारे हैं एक बार आप लोग फोकस कर लेंगे ठीक है ना एमसीक्यू आपका यूनिट टू से भी एमसीक्यू दिया गया है ठीक है ना तो ये सब चीजें आपको जी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे करने का ट्राई कीजिएगा हो सकता है आपके एग्जाम में आ ही जाए एमसीक्यू काफी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा एमसीक्यू डायोड में जनरली ज्यादा टफ आएगा नहीं बस आएगा नेगेटिव रेसिस्टेंस क्यों बना रीजन क्या था कौन का डायोड का नेगेटिव रेसिस्टेंस होता है कौन डायोड में क्या होता है बस यही जेनरल एमसी क्यू आने वाला है और क्या और तो कुछ है नहीं टू से लगभग सारे डायोड आपका क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जो पैटर्न एग्जाम के पहले एग्जाम्स का है आप लोग अभी तक सिलेबस मिलाए होंगे और चार सब्जेक्ट जो भी एग्जाम आपका हुआ है उस चार सब्जेक्ट में ठीक है ना वो चार सब्जेक्ट में जो भी नोमेरिकल आया या सब्जेक्टिव आया एमसी को आया होल सिलेबस है यानी पूरा सिलेबस दिया जाता है तो आप ये मत सोचेगा डायोड में सिर्फ हम हमरेक्टर डायोड दिए होंगे टनल डायोड दिए होंगे या डायोड दिए होंगे आपको डायोड पूरा गिवन रहेगा यूनिट वन से पूरा क्वेश्चन रहेगा ठीक है ना और यूनिट थ्री से पूरा लगभग पूरे क्वेश्चन रहेंगे तो ये मत सोचेगा कि यहाँ पे कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन सारा आएगा ठीक है अब कह रहे क्वेश्चन बता दीजिए तो भाई बता क्या रहे हैं क्वेश्चन ही तो है पीपीटी में जितना दिया गया है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे लगभग वहां से कुछ क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आप कर लेंगे वहां से क्वेश्चन रहेंगे ठीक है बाकी कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी दिए जाएंगे उसको अपने माइंड सेटअप करके बनाने हैं एग्जाम में कब क्या कैसे आता है किसी को पता नहीं होता है तो उस तरह का भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा एक पेपर जानते हैं कि थोड़ा सा अल्टर पूछा जा सकता है तो अभी तक चार पेपर अगर आप लोग को अल्टर नहीं पूछा गया है तो हो सकता है माइक्रोवेव का अल्टर हो सकता है अगर चार पेपर कोई एक पेपर अल्टर पूछा गया है चाहे सिग्नल हो डिजिटल हो ए एस हो मैनेजमेंट हो तो माइक्रोवेव इजी होगा तो एक चीज अपने आप में इस बात को कंसिडर कर लिया कीजिए कि एक पेपर अगर अल्टर आता है तो एक पेपर टफ आना है एक सारे इजी है तो एक पेपर आपका टफ आना है ठीक है ना तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं तो ये मत सोचेगा कि यूनिट फाइव से क्वेश्चन नहीं है यूनिट फाइव से भी क्वेश्चन है यूनिट टू तो से भी क्वेश्चन है थ्री से भी है फोर से भी है ठीक है तो हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है बाबू इसमें जितना प्रैक्टिस करना आप कर सकते हैं बाकी एग्जाम में आप लोग लोगों क्या की एग्जाम में तो करना है ही तो प्रैक्टिस में ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना कि आप ये बता देंगे कि इतना ही तो आप सीमित हो जाएंगे तो अभी आपको नहीं होना है अभी पूरा बिंदास से हम लोग पूरा समुद्र को टटोलेंगे उस समुंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वो आपका एग्जाम में पता चल जाएगा यहां से भी कुछ क्वेश्चन टकर जाते हैं हमने कभी ये नहीं कहा कि गारंटी यही आएंगे लेकिन अभी तक द पॉलिटेक्निक क्लासेस का मेहनत जो है वो काम आया है क्वेश्चन इतना दिए हैं शायद वही क्वेश्चन मैक्सिमम छे सात आठ टकर ही जाते हैं दस में से हंड्रेड तो नहीं बोलेंगे लेकिन छ सात आठ आ जाता है कभी कभी नौ भी आ जाता है पिछले और माइक्रोवे में दस में दस क्वेश्चन हम टकरा दिए थे तो ये कभी कभी होता है लेकिन मेहनत तो पूरा करना है कि जान लगा के मेहनत करना है ठीक है अब ये तो कल भी पता चलेगा अब हमको भी क्वेश्चन पता नहीं है कि क्वेश्चंस क्या है नहीं है क्वेश्चंस क्या सेट हुआ है ठीक है ना कल क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा तो पता चल जाएगा ठीक है और बाकी एमसीक्यू का बात रहा एमसीक्यू करा देंगे आगे अभी ये, ये वीडियो आपको प्राइवेट कर दिया जाएगा इस बात को ध्यान रखेंगे कोई सोचे हो रहे होंगे बाद में देखेंगे तो भाई ये अब पॉसिबल नहीं है ये वीडियो अब प्राइवेट हो जाएगा ठीक है अभी तुरंत प्राइवेट हो जाएगा तो अब बाद में ये कोई कमेंट अगर आएगा तो इसमें से जितने भी अभी लाइव स्टूडेंट है वो कमेंट करके उस स्टूडेंट को जवाब देना आप लोग का काम है कि सर बताए थे जो लाइव था वो सीखा है ठीक है वो अब हम लोग कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं अब जो भी बोलना है जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट है जो टीपीसी के साथ है उन्हीं स्टूडेंट को साथ रखूंगा बाकी सारे स्टूडेंट को इग्नोर करने वाला हूं इस बार क्योंकि तो बहुत हम लोग मेहनत करके देखे एग्जाम के पहले एग्जाम इतने एफर्ट के साथ हम लोग सोचे थे कि इस बार साठ सत्तर अस्सी स्टूडेंट के बीच में कॉम्पिटिशन होगा ऑनलाइन में भी बहुत कम स्टूडेंट जुड़े ऑफलाइन में भी कम स्टूडेंट जुड़े हैं तो मैं उन स्टूडेंट के साथ मेहनत क्यों करूंगा जो हम लोग के साथ नहीं है तो बहुत अभी अगर ऑफलाइन स्टूडेंट को देखा जाए तो पूरे ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है उन लोगों को ऑनलाइन वाले आप लोग थोड़ा सा सुधार जाइए आप लोग अभी मेहनत है कीजिए ऑनलाइन जब क्लास मिलता है तो कीजिए वरना सारा वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव का सोलूशन आपको एप्लीकेशन जिनका है ऑप्लिकेशन पे मिल जाएगा बाबू ये मत सोचेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जैसे मिलता था पहले वो मिलेगा जो ऑनलाइन कोर्स लिए हैं उनका एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जो ऑफलाइन कोर्स लिए हैं लाइव रहेंगे तो उनका सलूशन मिलेगा तो जो लाइव नहीं रहेगा उनका सलूशन नहीं मिलेगा इस बात को क्लियर कट में मैं बता दे रहा हूं इस बार ठीक है तो चलिए नेक्स्ट जो बूस्टर बैच सेकेंड बूस्टर बैच होगा यूनिट नंबर थ्री एंड फोर से होगा ठीक है थ्री एंड फोर आप लोग ध्यान दीजिएगा पढ़ने का ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट बूस्टर बैच थ्री और फोर होगा और लास्ट बूस्टर बैच जो होगा उसमें ओवरऑल हम लोग भी भी का जिक्र करेंगे क्योंकि फाइव में दो तीन क्वेश्चन है और उसको देख लेंगे वो तो थ्री और फोर नेक्स्ट बूस्टर बैच के लिए सारे लोग रेडी है नेक्स्ट बूस्टर बैच सेकेंड जो यूनिट नंबर थ्री और फोर से होंगे क्या सब लोग उसके लिए रेडी हैं रेडी हैं तो एक और कमेंट करेंगे इसी के साथ आज का सेशन जो है हम लोग समाप्त करेंगे ठीक है चलिए रेडी है तो क्लास एंड किया जाए या और क्वेश्चन है कुछ पूछना है कुछ ये है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज लाइव मिले हैं अगला क्लास हो सकता है आपको डायरेक्ट बोर्ड पे हो आज का मौसम इतना ज्यादा खराब था आंधी इतना ज्यादा चल रहा था गया में जिसके कारण से हम बोर्ड पे नहीं आ पाए क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाता नेटवर्क इशू हो जाता क्योंकि वहां पे नेटवर्क होता है। चलिए ओके चलो ठीक है कल के लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम दीजिए उसके बाद जितने भी देखिए एग्जाम में दो क्वेश्चन बने ना क्वेश्चन आप लोग तो टेंशन नहीं लिया कीजिए पर सर के ईमानदारी पूर्वक से उस क्वेश्चन को एक बार और, और बनाया कीजिए जो क्वेश्चन आपसे ना बना हो ठीक है तो अकबरकाना नहीं है जितने सब्जेक्ट में आपका एग्जाम हुआ है उस सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होंगे कुछ क्वेश्चन में एकदम में नहीं आ रहा होगा तो ये तीन केस हो रहा होगा तो आप ट्राई किए जो क्वेश्चन बन रहा है उसको रिवीजन रेगुलर करते रहिए जो क्वेश्चन हल्का आ रहा है उस पे थोड़ा टाइम दीजिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उस पर और ज्यादा टाइम देने का ट्राई करेंगे ठीक है इस तरह से इतने बेस्ट तरीका से आपको तैयारी हो जाएगा प्रिपरेशन हो जाएगा कि काम टाइम में एसबीटी को आप जवाब अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मात्र अस्सी दिन में आपका सेमेस्टर एग्जाम ले रहा है जो कि बहुत गलत है ठीक है ना आपको कम से कम एग्जाम लेना चाहिए था तो एक सौ अस्सी दिन में कम से कम एक सौ पचास दिन तो होना ही चाहिए कम से कम ऐसे एक सौ अस्सी होना चाहिए था लेकिन एक सौ पचास एक सौ साठ दिन देना चाहिए आप सोच सकते इसके कंपेरिजन में आपको अस्सी दिन का टाइम मिला है तो ये कैसे हो सकता है तो इसका जवाब देने के लिए आप लोग रेडी हैं आपके साथ पॉलिटेक्निक क्लासेस रेडी है ठीक है तो आज के लिए थैंक यू थर्ड सेमेस्टर ग्रुप वाले एडमिन हटा दीजिए बाबू इतना हम लोग मेहनत किए हैं तो ये काम आप अलोक सर से बोले तो शायद वो आप पे कुछ बोलेंगे क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा हम लोग को क्या कर दिए है ना कि जो मेहनत हम लोग किए थे उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आप लोग नहीं दिए और जब एग्जाम टाइम आता है तो बस आपको चाहिए कि सर ये कर दीजिए ना ये कर दीजिए ना तो भाई वो चीज अब नहीं होगा ठीक है बहुत हम लोग ने करके आप लोग को देख लिया एग्जाम के पहले एग्जाम जिस दिन होना था उसे दो दिन पहले हमने मीटिंग रखा उसमें हंड्रेड स्टूडेंट लगभग ज्वाइन हुए सबने बोला कि सर एग्जाम देंगे क्वेश्चन चाहिए विराट सर काफी अच्छा सा आपको डील किए थे बताए थे कि क्या फायदे हैं और फायदा क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जा रहा है बहुत ज्यादा है इस बार तो क्वेश्चन भी आप लोग को मिलने वाला नहीं था तो आपने जहां स्टडी किया हो आप वहां का नोट्स पढ़े बेहतर ढंग से क्वेश्चन दिया गया उसको बनाए जो लाइव क्लास होता है उसको अटेंड करें अच्छा लगता है तो अटेंड करें नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं जहां पढ़ रहे हैं अच्छे से जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए भरोसा कीजिए कि वो बेस्ट हो है हमारे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं बाकी क्वेश्चन आप लोग को मिल गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बनाइए कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ठीक है चलिए ओके थैंक यू आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है